हेलो एवरीवन, अज आप ही नवा जैकेट डिजाइन सीखांगे जो इस तरह नजर आउंदा। ये जैकेट डिजाइन बहुत ही सुंदर नजर आउंदा। ये अज आप तुहानू बनाउणा सिखावांगे। आ जो अपना बॉर्डर डिजाइन है, ये तो तुसी किसी भी प्रकार का बना सकते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। कट वर्क वाला भी बना सकते हो तुसी, ते इदां प्लेन भी बना सकते हो। ये तो हाडी अपनी मर्जी है। ते ये डिजाइन च इदां सीधिया सीधिया कौलमां बनिया हुई हैं, जिसनों आप लाइना कह सकते हैं। आ सीधिया लाइना बस धुर तक सीधिया ही जाने। ये डिजाइन तुसी इदां देख सकते हो। ये डिजाइन अज आप तुहानू बनाउणा दसांगे भी किदां बन के तैयार हुंदा ते किन्ने किन्ने फंदे इहदे विच लगदे आ। सब तो पहला आप तुहानू दसांगे भी इह किन्ने फंदिआं च किन्ना डिजाइन तैयार हुंदा बन के। हाँ, जे तुसी देख रहे हो अद्धी अद्धी फली बन रही है, एक एक गैप रह रहा इहदे विच। इथों आप स्टार्ट करांगे, इथों लैके आ अद्धी डब्बी तक अपना ये 21 फंदिआं च तैयार होगा ये डिजाइन। इन्ना इन्ना डिजाइन अपना, ते तुसी अपने अकॉर्डिंग किन्ना भी वधा सकते हो। जिन्ना तुहाडी जैकट वगैरह दा सैज होगा तुसी उन्नी वधा सकते हो। इथों लैके अद्धी डब्बी तो लैके आधी डब्बी तक इन्ना डिजाइन अपना 21 फंदिआं च तैयार होगा, जिसनों आप कुंडे भी कह सकते हैं। ते हुण आपां इहनू बुनना स्टार्ट करांगे। सब तो पहला आप सीधा फंदा बुनांगे। ये बुन तो बाद आप एक बार धागा घुमावांगे, धागा बाहरली साइड जाए इस प्रकार आप धागा घुमाना। फिर तीन सीधे फंदे बुनो, एक दो तीन। ये स्टार्टिंग च आप इतने 9 फंदे ले सी सीधे, ये 3 घट जाते बस साइड ते, 3 3 रह जाते। 3 सीधे फंदे, इस तो बाद धागा अपनी तरफ, 3 फंदों का एक फंदा बनाओ इदा। धागा बाहरली साइड, फिर 3 सीधे फंदे बनो, एक दो तीन। आ गैप वाला जो अपना फंदा आऊगा, ये बुन तो बाद अपनी सीधी फली आ गई, जिहड़ी सीधी अपनी कॉलम चल रही है आह वाली। आह वाली जिहड़ी सीधी कॉलम चल रही है, ये दोनों साइड आप एक एक फंदा बनावांगे। तो आह 3 सीधे बुन तो बाद आह 3 का एक उल्टा बनावांगे, फिर 3 सीधे, फिर आह एक गैप, तो फिर एक सीधी फली। हुण आप इत्थे धागा घुमावांगे। धागा इस प्रकार घुमाउणा आपां भी जिहड़ा बाहरली साइड जावे, क्योंकि उदू अगला फंदा जिहड़ा आपां बुनना उह सीधा बुनना। फिर एक बार धागा होर घुमाओ, फिर ये 3 बुनो सीधे, दो तीन। फिर धागा अपनी तरफ, फिर ये 3 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनो इदा। फिर 3 सीधे फंदे बुनो, एक दो तीन। 3 बस सीधे फंदे बुन तो बाद एक गैप रहूगा इस साइड ते, क्योंकि आप अद्धी फली लगाई है दी। इदा बाहरली साइड जावे जिहड़ा धागा, इस प्रकार घुमाउणा आपां। ये अपनी रो अपनी हुण इदा बनी है। स्टार्टिंग तो एक सीधा फंदा अपना, एक धागा घुमाता आपां, समझो गैप रह गया। 3 सीधियां फलियां सीधे कुंडे, फिर 3 दा एक बनाया उल्टा फंदा, फिर 3 सीधे फंदे, फिर जिहड़ा अपना आ सीधा फंदा, इहदे दोनों साइड एक एक गैप रख्या, फिर 3 सीधे फंदे, 3 दा एक बनाओ उल्टा, फिर 3 सीधे, एक गैप, ते फिर एक सीधी फली। बैक साइड तो ये रो सारी उल्टी बुनी जाएगी। इस प्रकार आपां ये सिलाई सारी उल्टी बुननी है। जिहड़े आपां गैप रखे सी उह इदां बुनने, इदां उठा के इदां बुनो।
ये अपनी सिलाई कंप्लीट होने वाली है। बस उल्टी सिलाई अपन उल्टी पानी हमेशा ये डिजाइन च। हाँ तुम देख रहे हो अपना डिजाइन बिल्कुल स्टार्ट हो चुके आ बन गई अपनी जी सीधी कॉलम बन रही है। तो आ जो तीन एक बन रहा उल्टा ही वो आ आप थोड़ा जहा बार्डर बुनिया से इतने तुम कोई भी बार्डर बना सकते हो तो ये डिजाइन इदी स्टार्ट कर सकते हो जिदे आप बनाया हुआ। सोनू अगली सिलाई पा के दिखावे भी किमें बनता है डिजाइन। पहला सब तो आप सीधा फंदा बुनागी फिर धागा घुमाना इदा जो बहरली सैड जाए धागा फिर तीन सीधे कुंडे एक दो तीन तीन सीधे फंदे बन तो बाद धागा अपनी तरफ फिर तीन फंद एक फंदा बनाओ ये बनाने तो बाद धागा दूसरी सैड फिर तीन सीधे फंदे बनो एक दो तीन इस बाद आप धागा घुमा जो सीधा फंदा आता अपना यदि सीधी कॉलम चल रही है ये दोनों सैड एक एक फंदा बधाना अपना फंदा इस प्रकार बधाना आप जो धागा बहरली सैड जाए इदा एक फिर फंदा बधाओ फिर तीन सीधे बुनो एक दो तीन तीन सीधे बुन तो बाद धागा अपनी तरफ तीन फंद एक फंदा बुनो उल्टा बुनना है आप इदा धागा दूसरी सैड बहरली सैड कर दो फिर तीन सीधे फंदे फिर बुनो एक दो तीन आ गैप वाला इधर बुनना आप तो आ सीधी सिलाई जी चल रही है अपनी ये इदा धागा बधाओ ये अपना एक कुंडा वध गया है अपना डिजाइन इदा स्टार्ट हो गया। हम आप सू अगे भी बन के दिखावे उल्टी सिलाई ये डिजाइन च अपना कोई डिजाइन नहीं बनेगा बैक साइड वाली रो च सारी उल्टी बुनी जाएगी। धागा अपनी तरफ सिलाई का मूह बहरली सैड जाऊगा ये बस अपना डिजाइन सिर्फ फ्रंट साइड तो ही बनूंगा बैक साइड तो आप बस ये उल्टी पानी है सारी सिलाई। इदा नजर आ रहा अपना ये डिजाइन आ जी सीधी फली जा रही है ये दोनों साइड आप एक एक बधाना ये क्योंकि आप अद्धी लाई है तुसी भी जिथे डिजाइन थोड़ा खत्म होगा जैकट वगैरह की लंबाई चढ़ाई खत्म होगी उत्थे एक एक ही लाना आप अद्धा डिजाइन बनाना। पहला फंदा सीधा बनो फिर धागा घुमाओ धागा इस तरीके घुमा जो बहरली सैड जाए फिर तीन सीधे फंदे बनो एक दो तीन ये तीन बन तो बाद आप धागा अपनी तरफ लेके आवेंगे तो तीन फंद एक फंदा बनावेंगे फिर धागा बहरली सैड फिर तीन फंदे फिर सीधे बुनो एक दो तीन फिर आप इतने धागा बधाना दोनों साइड एक एक आप कुंडा बधा के जाना जिमें अपना ये चल रहा डिजाइन ये तुम 10 नंबर सिलाई ते बना सकते हो 10 नंबर सिलाई ते डिजाइन बिल्कुल सही बनूगा। जो अपना एक सीधा फंदा चल रहा है ये दोनों साइड एक एक फंदा बधाना आप हर बार इस तो बाद तीन सीधे कुंडे बुनो फिर धागा अपनी तरफ तीन कुंड एक उल्टा कुंडा बुनो धागा बहरली सैड फिर तीन सीधे बुनो तीन सीधे बुन तो बाद एक गैप रखो इदा तो इन लास्ट वाले सीधा बुनो
अपना डिजाइन ये इदा स्टार्ट हो गया। हम बैक साइड वाली रो अपनी सारी उल्टी बुनी जाएगी, इस विच कोई डिजाइन वगैरह नहीं बनेगा। ये रो पाउन तो बाद आप दिखावे भी सीधे पासों डिजाइन किदा बनिया। ये अपना जिहड़ा डिजाइन चल रहा है बिल्कुल आसान डिजाइन आ। जेकर तुसीं नवे नवे बुनतियां बनाउन लगे हो, नवे नवे जैकट वगैरह बुन लगे हो, तो तुहाडे वास्ते ये डिजाइन बिल्कुल सही है। अपनी हुण बैक साइड वाली रो कंप्लीट होण वाली है। ये रो कंप्लीट होने के नाल नाल अपना डिजाइन भी कंप्लीट हो चुकिया। ये डिजाइन इदा बनया, मैं आपां तुहानूं दिखावांगे जिहड़े जैकट तो आपां ये डिजाइन उतारिया। आह वेखो तुसीं, आह अपना आह डिजाइन बनया, ते आह जिहड़ा उल्टा तीन फंदिआं दा इक फंदा बनाया अपना आह सी। ते इस तों बाद आपां अद्धी रो लाई सी क्योंकि इस तों बाद इत्थे बटन पट्टी रहूगी, अपनी अद्धी रो सारी साइड चलूगी। जिवें इधरली साइड तुसीं आह देख रहे हो अद्धी रो बनी है। ये अपना डिजाइन हुण बिल्कुल कंप्लीट हो चुकिया। तुसीं अपनी कोटी जा जैकट वगैरह च ये डिजाइन बना सकते हो। ये लेडीज कोटी जैकट वगैरह च तुसीं आसानी नाल ये पौंती पा सकते हो। ये बहुत ही सुंदर डिजाइन आ। इत्थे तुसीं किसी भी प्रकार का कट वर्क का जां कोई भी बार्डर भी बना सकते हो अपने अपने अकॉर्डिंग। मैनूं उम्मीद है तुहानूं ये पौंती बहुत सुंदर लगी होएगी। ओके।